आमलक की एकादशी ये एक ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार आमलक की एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन वाराणसी में रंगभरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्ति नगर भ्रमण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा श्रद्धा के साथ करने से पापों का नाश होता है, साथ ही घर में बरकत आती है। तो आइए आज इस वीडियो में आमलक की एकादशी से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को दोपहर 12:21 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 21 मार्च को 2:22 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर आमलक की एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। आमलक की एकादशी के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि माँ तुलसी भगवान विष्णु के लिए इस दिन का उपवास रखती हैं। जो जातक एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं, उन्हें इस दिन कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए, भले ही आप व्रत कर रहे हो या नहीं, लेकिन एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए, साथ ही अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन तामसिक चीजें जैसे मांस, शराब, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ही करना चाहिए। बड़ों का अपमान करने से बचे। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। इस दिन की सही पूजा विधि क्या है, चलिए जानते हैं। हर पूजा की तरह आमलक की एकादशी पर भी सुबह स्नान करना बिल्कुल ना भूलें। सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। व्रत रखने के साथ ही पूजा घर की पूरी तरह से सफाई करें। दिन भर व्रत रखने के बाद पूजा करें। पूजा के समय एक पाटे पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। दोनों प्रतिमाओं को पंचामृत से स्नान करवाएं। इस दिन भगवान को पीले फूल अर्पित करें। पीले फूल अर्पित करने के साथ ही भगवान को हल्दी और गोपी चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी पत्र अर्पित करें, भोग लगाएं और तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। आमलक की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। भोग में श्रीहरि को आंवला अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु ने आंवले को देव वृक्ष बताया था, क्योंकि उसमें सभी देवियों और देवताओं का वास होता है। जो आमलक की एकादशी व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा कैसे करें, ये जानना भी बेहद जरूरी है। आमलक की एकादशी के दिन सबसे पहले आंवले के पेड़ के पास जाकर वहां चारों तरफ की जमीन को अच्छे से साफ करें और मिट्टी पर गोबर का लेप करें। अब पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर 5 आंवले के पत्ते रखें और संभव हो तो कलश पर चंदन का लेप करें। साथ ही कलश को लाल या पीले रंग के साफ कपड़े से ढक दें। फिर कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की मूर्ति स्थापित कर दीप जलाकर विधि विधान से पूजा करें। अगर आंवले के पेड़ के पास जाकर पूजा करना संभव नहीं है, तो घर पर ही आंवले के पेड़ की एक टहनी लाइए और घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करने ठीक उसी प्रकार विधि विधान से पूजा करें। इस तरह पूजा करने के बाद अगले दिन यानी सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें और परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश भेंट करें। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।